अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? तो बाबा जी यहाँ पे हम लैंड हो जाते हैं इवेंट पे, और बाबा जी हम मुमलाद होते हैं, फोन नंबर को बंदा कर देता है नोक और आपका भाई कुछ के मार देता है भाई को। ये भाई का नाम जरा जेन में रखना, इनके साथ पार्टनर में बड़ी मजेदार भाई थी, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। खैर यहाँ पे मेरा टीममेट को दोबारा नौ करके फिनिश कर देते हैं, लेकिन मैं फिर उसको मार देता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ कोई फायदा नहीं होता अपने टीममेट को, मैं नहीं बुझा सकता। खैर यहाँ मैं जा रहा होता हूँ बाबा जी, गाड़ी नजर आ जाती है, फिर आपके भाई का 1v2 चेक करो, हैवी वाला बंदा ओपन आ रहा है, उसको पता है भाई सामने टॉक्सिक सामान है, लेकिन वो बंदा डर ही नहीं रहा, उसको प्रियन के समझ रहे हो, अभी लोगों के दिलों में डर डालना है अपना। अब यहाँ पे दूसरा बंदा है, वो गाड़ी के पीछे होकर फायर दे रहा है, चेक करो जरा, ये ऐसे कैसे कैसे है, समझ रहे हो कि नहीं? ये वाले मामला चल रहे होते, यहाँ ये बोट होता है, मैं समझता हूँ बंदा है, लेकिन ये चेक करो मेरी फीलिंग, चेक करो मैं कैसे बोट में कैसे मार रहा हूँ। यहाँ पे ये बंदा होता है, चेक करना, ये बंदा भाई इतना भगाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और ये बंदा अच्छा खेल रहा होता है, नो डाउट प्योर 1v1 वाला सीन है, लेकिन आपको पता है फिर आपका भाई भी कलाकार है। ये देखो मैं यहाँ जंप करता हूँ, ये बंदा अंदर चला जाता है, मैं कहता हूँ कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, तुझे मिल लेते हैं। नेड कुक करता है आपका भाई, नेड कुक करके बाबा जी यहाँ फेंकता है, लेकिन ये बंदा फिर बच जाता है, और ये बंदा भाई पूरा ही IQ लेवल इस्तेमाल कर रहा होता है, ये मुझे यहाँ मुझे उम्मीद नहीं होती कि मैं बचूंगा जैसे ये खेल रहा होता। खैर मैं यहाँ बच बचा के खैर फुल पारों के साथ कुछ शुश कर रहा होता हूँ, यहाँ देखो मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ ये बंदा नीचे होता है, मैं फिर दोबारा जाता हूँ नीचे वाली साइड पे, लेकिन वो बंदा ऊपर वाली साइड आ गया होता है। यहाँ चेक करो, यहाँ फाइट होती है थोड़ी सी हमारी, देख रहे हो वो बंदा ऐसे फायर दे रहा है कि कवर में भी लग रही है, कि कहने का मतलब ये बंदे के ऊपर डिवाइस भी अच्छी है और दिमाग भी अच्छा है जो हमारे पास नहीं है। हाँ जी खैर यहाँ पे हम जंप शंप करके बाहर आते हैं, यहाँ बोर्ड भैया होते हैं, बोर्ड को हम नॉक करके फोरी करा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। खैर अब बाबा जी मामलात यहाँ पे ये वाले चल रहे हैं के हील शील कर लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ बाबा जी हील करके करें पुश, वीडियो हो रही है लंबी, तो जरा जाके बंदे के कान के नीचे दो लगाएं और उसको लॉबी भगाएं। खैर यहाँ बंदा स्मोक कर देता है, फिर आपका भाई बाबा जी नहीं है पुश बनता है, पुश आपका भाई कर देता है, लेकिन वो बंदा नीचे फिर रह जाता है। फिर अब मैं कह यार वो IQ लेवल जब इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्यों ना करें, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। अभी चेक करो इसको यहाँ पे हम कैसे डाउन करेंगे। वो बंदा भी एकदम शॉक्ड होगा कि बाबा जी उसका किसी के साथ पाला पड़ा है, यहाँ फुल फ्री फायर वाला सीन चल रहा है, लेकिन वो बंदे के साथ कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा, वो बंदा ना बाहर आ रहा है ना कोई चक्कर है। अंदर कमरे में उसने अपने पीछे पिंडे पे लगा ली LP, अब चेक करो आपका भाई कैसे जाता है। बाबा जी ऐसे कैसे भाई जान, ये वही बंदा है इवेंट पे जिसने मेरे टीममेट को फिनिश किया, लेकिन मैं फिर भी इस बंदे को करता हूँ एप्रिशिएट, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ये बंदा आल पे बोलता नहीं, भाई को फिनिश कर देती है, इनके टीममेट होता है भाई ऐसे कैंपर, अल्लाह माफ करे भाई, कैंपरों से अल्लाह बचाए, इस बिल्डिंग में बैठा हुआ कोई फुटस्टेप कोई साउंड नहीं दे रहा है, फिर मैं कहता हूँ बाबा जी यहाँ से निकलना ही बेहतर है, जोन आ गया। तो खैर मैं यहाँ से बग्गी शगी पे बैठ के निकलने लगता हूँ, साथ ही चेक करना कैसे निकलता है, चेक करो कैसे निकला है। खैर मैं बच बचा के यहाँ से बाबा जी निकल जाता हूँ जोन वाली साइड, लेकिन यहाँ पे मामला ऐसे होता है कि बंदा ओपन से आ रहा होता है, मेरा आपको पता है, ए चेक करो चेक 4x M4+4x, यार ये भाई को भाई डाउन कर देता हूँ, जाके भाई से जरा आलपी थोड़ी बातचीत करता हूँ, लेकिन ये भाई भी माइक नहीं खोलते, यू नो बनाना खा जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। यहाँ पे फिनिश करने के बाद मामलात आ जाते हैं, यहाँ पे यार मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, यहाँ चेक करो पहले ऊपर जाती हद कर देता हूँ और ओपन में फाइट लेता हूँ, बंदा मेरे पे बग्गी चढ़ा देता है। अब आपके भाई ने लेना रिवेंज, यू नो रिवेंज किंग इज बैक। हाँ जी। अब यहाँ पे मामलात ऐसे है कि फिर चेक करना होता क्या है, ये मैंने एक बंदा उतारा है, दूसरे को मैं डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ थर्ड पार्टी वाला बंदा आया है, उसने बग्गी यार मतलब क्या, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है यार, गीब यार। वीडियो अच्छी लगे तो जरा लाइक और सब्सक्राइब भाई को कर देना, बाकी लव यू।